दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस है और इस चर्चा पर हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद है जो है प्रमोद जैन जी। प्रमोद जैन जी, आपका इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। सभी को नमस्कार। आवाज थोड़ा धीमी है, आवाज बढ़वाएंगे जी। नमस्कार। नमस्कार। दुनिया में सिर्फ एक ही विकलांगता है और वह है नकारात्मक सोच। इस बात को सच साबित कर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं दिव्यांग प्रमोद जैन जी। इन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को कमजोरी नहीं बनाया और सक्षम जन फाउंडेशन के माध्यम से आज हजारों दिव्यांगों को एक प्रेरणा दे रहे हैं। साहब, किस तरह से आपकी शुरुआत हुई और किस तरह से आप दिव्यांग हुए? पहले हमने समाचार फाइल किया तो आपकी जो जीवन है, आज से 9 साल पहले हंसते खेलते था पूरे परिवार के साथ, शुरू से बताएंगे। सर, पहले तो मैं बहुत सही था जी। तो 11 जनवरी 2013 को एक्सीडेंट हो गया, वॉशरूम में गिरने चक्कर से जी स्पाइन C3-C4 डैमेज हो गई मेरी जी। मैं रिटर्न रहा, अभी भी बेड पे ही हूँ, लेकिन एक समय ऐसा था कि मैं मौत मानता था जी। अब ये समय है कि मैं लोगों को जीवन देना चाहता हूँ जी। क्यों ऐसा, मतलब कैसे प्रेरणा आई? क्योंकि क्यों कई लोग जो है ऐसा हो जाने के बाद उनका मन टूट जाता है और पूरा कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, लेकिन कैसे प्रेरणा आई, कौन आए आपके मार्ग पर? प्रेरणा तो सही मुझे जी है ना कि मुझे कुछ करना है जी, कुछ करना है माँ बाप के लिए, कुछ करना है। तो इस साल में अगर मैं चलेगा तो जी, ये सोच लाके फिर मैंने रिकवरी आते गई जी। डॉक्टर सागर मेरा फिजियो करते थे, एक समय ये भी था कि डॉक्टरों के लेने से क्या करेंगे, फिजियो नहीं करेंगे इनका तो कुछ नहीं हो सकता जी। बाकी ऊपर वाले की कृपा है जी, यहाँ तक पहुंचा है जी। लोगों को प्रेरणा मिल रही है मुझसे, दिव्यांग तो दिव्यांग कुछ पैसे हैं जिनके है, वो भी है जी है ना, उनको भी मैं मोटिवेशन करता हूँ कि ऐसा नहीं है, मुझे देखिए ऐसा होगा जी, ऐसा करना चाहिए हो जी। जैन साहब, आप पूरे प्रदेश घूमते हैं और लगभग 40 लोगों को रोजगार भी दिलवा चुके हैं, वो 40 लोग कहाँ से हैं और क्या क्या रोजगार उन लोगों को मिल पाया है? ऐसा है कि उनकी योग्यता के अनुसार अपन भैया कराते हैं जी। जैसे अपन किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी सेक्टर में बाहर होते हैं, बच्चे पड़ा हुआ है वो तो कुछ कर नहीं सकते, तो अपने यहाँ काम करते हैं, बात करते हैं कि भैया हमारे दिव्यांग को आप रोजगार दीजिए और लोग अच्छे करते हैं, उनको रोजगार देते हैं, योग्यता के अनुसार अपन काम देते हैं, आगे प्लान है, काम धीरे धीरे साकार होता जाएगा ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो जी। जब सुबह उठते हैं आप तो सुबह से ही आपका संघर्ष चालू हो जाता है, हमने देखे हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे कार्यों में किन किन का सहयोग आपको मिल पाता है और किस तरह से आपकी दिनचर्या की स्थिति होती है? सर्वप्रथम मेरे माता पिता का सहयोग मिलता है मुझे उठते ही साथ जी, क्योंकि मैं दैनिक दिनचर्या करने में भी असमर्थ हूँ, उसमें सहयोग मेरा बेटा रहता है जी, और लोग और सहयोग करते हैं मुझे, मेरी गाड़ी का सहयोग रहता है मुझे जी, मेरे ड्राइवर्स वगैरह उनका सहयोग रहता है, ड्राइवर नहीं आते तो हमारे यहाँ बुढ़िया है उसका सहयोग रहता है हमारे कॉलोनी में, वो भी सहयोग से ही मैं यहाँ तक हूँ, उनके सहयोग से ही मैं स्वयं मैं कुछ नहीं करता जी। कभी कभी मन उदास हो जाता है, उस समय किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं और किनको देखकर प्रेरणा लेते हैं आप, क्योंकि ऐसे स्थिति में हो जाता है जी? जी होता है जी, जब ऐसा होता है तो मैं चले जाता हूँ साईं मंदिर कुमारी चले जाता हूँ जी, चलोदा में साईं मंदिर है, वहां जाके बैठता हूँ 1 घंटा 2 घंटा। खाटू श्याम जी का विशेष आशीर्वाद है मुझ पर जी, एकादशी द्वादशी को मैं बिल्कुल पहुंचता हूँ, कोशिश करता हूँ पहुंचू, सब पाता हूँ
आपकी आदमी दिव्यांग मानसिक जी मानसिक स्थिति सही रहेगी तो वो दिव्यांग दिव्यांग नहीं है, वो आम आदमी से बढ़कर काम मेरी सोची है जी। समाज कल्याण विभाग का सहयोग किस तरह से मिल पाता है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग आप लोगों के लिए स्पेशल विभाग है। उनका सहयोग मिलता है मुझे समाज कल्याण विभाग का जी। रोना ठाकुर साहब है उप संचालक, उनका सहयोग मिल जाता है। कमलेश्वर जी है, उनका सहयोग मिलता है। डॉक्टर नरेंद्र भोरे जी है, उनका भी सहयोग मिलता है मुझे जी। किस तरह से सहयोग मिल पाता है बताएंगे? जैसे किसी को, किसी दिव्यांग को किसी चीज की आवश्यकता है तो वो नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम मिलते हैं। ये सिर्फ एक फोन कॉल पे भी सही मुहैया करा दी जाती है। और जो नहीं आ सकता उसको घर पर सेवा में कर सकते जी। जैन साहब, जबकि जब आपकी आपने वॉशरूम से गिरे तो वो कौन सा दिन था, और वो दिन याद आता है तो कैसा फील होता है आपको इस समय आप आपके साथ ऐसा हुआ? वो दिन 11 जनवरी सन 2013 का था। उस दिन को मैं कभी नहीं भूल सकता। दोपहर 3:30 का वक्त समय था जब मैं चक्कर लगा गया। कैसे हुआ, मतलब फिसल के गिरे कि कैसे गिरे? जी, लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसा और कई लोगों के साथ ना हो, थोड़ा सावधानी बरतें। सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप दिमाग से फ्री रहिए जी। तो कुछ ऐसा होता है, टेंशन आता है या कुछ होता है, कुछ होने लगता है तब आउटिंग पे निकल जाइए, पास करेंगे तो आप फ्री रहेंगे जी। परिवार में कौन कौन है साहब बताएंगे? माता पिता है मेरे, और एक 11 साल का बेटा है जी। वो बेटा का भी सहयोग काफी मिलता है आपको, जैसे कल समाचार बना रहे थे अपन। आगे क्या ड्रीम लेके चलते हैं आप, और आपके फाउंडेशन को किस तरह से डेवलप करने की तैयारी है आपका? फाउंडेशन को मैं काफी ऊंचाइयों पे ले आना चाहता हूँ। हमारे फाउंडेशन की सबसे बड़ी बात ये है कि सक्षम जन फाउंडेशन में कोई भी पारिवारिक मेंबर नहीं रहेगा किसी का जी। और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी, सब समाज सेवा में हमारे बहुत प्रोजेक्ट है अभी समाज सक्षमन के प्रोजेक्ट है हमारे जी, जिसमें धीरे धीरे आप बताते जाएंगे, आगे होता जाएगा, आगे आगे आप पता चलते जाएंगे जी। तो अभी तक छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों में आपके मेंबर हैं और किस तरह से कार्य को कर रहे हैं? हमारे रायपुर में है, रायगढ़ में, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। हमारे साथ अपने आप जुड़ते जा रहे हैं, देखते हैं हमारे को देख, और जो सेवा के लोग रहेंगे वही आप हमारी रायगढ़ की संस्था, हमारी एक विभू अग्रवाल जी हैं और एक चंचला पटेल जी हैं जी, वो संभाल रही है जी। रायपुर से आशा गुप्ता जी संभाल रही हैं जी। धीरे पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट में हमारी संस्था का काम चालू हो जाएगा धीरे धीरे जी। आप गौ सेवा भी करते हैं, आपके कार के फ्लैट में गौ सेवा का प्रदेश अध्यक्ष का सेवा संघ का प्रदेश प्रभारी हूँ जी। सालत में रहने के बाद भी संजीव सेंगर जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है जी, और बखूबी निभा रहे हैं धीरे से, ऐसा भी हो पाता है बच पाता है जी। तो गौ सेवा जिले की हमारी सबसे बेहतर राष्ट्रीय गौ रक्षा वाहिनी की गौ सेवा संघ की सबसे बढ़िया टीम है गौ सेवा में जी। यहाँ जितने हमारे गौ सेवक हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी जी जी। आगे और किस तरह से जो 40 लोगों को स्वरोजगार दिलाए हैं वो कहाँ कहाँ से है, और आगे और कितने लोगों को स्वरोजगार दिलाने का प्रयास है? हमारे पास जैसे बायो डाटा आता है होगा तो हम उसके पर देखते हैं कैसे करना है, इसको कहाँ पे करा सकते हैं, और हम चाहते हैं उनके घर की तरफ को रोजगार दिलाएं जी, जिससे उनको आने में तकलीफ ना हो। प्रमोद साहब, सबसे बड़ी दिक्कत जो है फाइनेंशियल को लेकर होता है, फाइनेंस प्रॉब्लम, तो फाइनेंस जो दिक्कतें हैं उसको किस तरह से आप उसको हैंडल करते हैं? फाइनेंस हमारी कमेटी, हमारे जितने मेंबर्स हैं, स्वयंसेवी जितने
आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि भाई इतने इतना करेंगे तो उसका रोजगार चालू हो जाएगा, फिर उससे वापस भी लेते हैं। वापस लेने का ही उद्देश्य है अगले में कमाने की क्षमता रहेगी, वो उसका जो रिटर्न आएगा उसका सिर्फ अगले रोजगार मिल जाएगा। निश्चित रूप से आपकी जो प्रेरणा है उनसे हम भी प्रेरणा लेते हैं और कहीं ना कहीं एक जंग भरी रास्ता है आपका, और जिस लोगों के हाथ पैर सलामत है उनको भी आपसे सीख लेनी चाहिए, और एक बहाना जो होता है वो बहाना लोगों को खत्म करना चाहिए। जिस तरह से आपकी अभी स्थिति है वाकई में ईश्वर आपको और आशीष दे। सचमुच में इस समय आप काफी संघर्ष कर रहे हैं और आपकी जो फाउंडेशन है उनको साधना न्यूज भी हमेशा सपोर्ट करेगी। आगे भी जिस तरह से आप डेवलप करने की प्रयास कर रहे हैं फाउंडेशन को, कहां कहां और आपकी टीम को मजबूत करेंगे विस्तार से बताएंगे। हमारा सर जो भी सेवा रहेगी मैं चाहता हूं कि लोग हमारे से जुड़ते जाएं और जो भी कार्य कर रहे हैं हम सेवा के क्षेत्र में वो सेवा ही कहलाए। मैं चाहूंगा कि ये संस्था हमारे साथ भी और हमारे बाहर भी चलते जी। इसमें हमारा एक वृद्धाश्रम डालने का है जी, जिसमें स्टार लेवल की सुविधा है। ये मेरी अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साथ दें और ये सब काम में हमें थोड़ा सपोर्ट करें दिव्यांग साथियों का तो ये संस्था जी। सीएम साहब से मिले कभी आप समय लेने का प्रयास किए सीएम साहब से? जी हाँ, वो जल्दी समय दे पाते हैं फिर उनसे मुलाकात हो जाएगी जी। आपके जिले में होम मिनिस्टर भी है ताम्रध्वज साहू जी, जिसको लोग बाबू जी के नाम से जानते हैं, उनसे भी एक बार जी बताएंगे। बाबू जी का भी भरपूर सहयोग रहता है, कुछ भी काम के लिए अपन किसी को भेजते हैं वो काम तत्काल कर दिया जाता है जी। जी जी, गौ सेवा को अक्सर लोग जो है एक आरएसएस के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं कल चर्चा कर रहा था तो आप बता रहे थे कि आरएसएस नहीं है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे हमारे दर्शक देखकर। ये राष्ट्रीय गौ सेवा वाहिनी गौ सेवा संघ है, ये आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ गौ से ही जुड़ा हुआ है। कभी कभी क्या है कि लोग जो है बेवजह फोन लगाते हैं और यहाँ गौ है गौ वंश है इनको स्थाई करिए, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हमेशा होता है सर। बताएंगे एक दो उदाहरण बताएंगे। हम बिल्कुल पहुंचने की कोशिश करते हैं जी, और हम चाहते हैं कि हर 5 किलोमीटर गौ सेवा करें। मैं भी सिटी में करना जा रहा हूँ, हर 5 किलोमीटर पे हमारी संस्था का रहेगा कि यहाँ से दुर्ग 20 किलोमीटर दूर तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो उपलब्ध नहीं हो सकता जी, तो मैं चाहूंगा यहाँ 5 किलोमीटर हमारी संस्था का हो रहे हैं। और फंड की बात करें अपन तो वहीं पे आसपास की दुकानों में हम अपनी पेटियां लगाएंगे। अच्छा, उसी दुकान में उसी दुकान पे ही कलेक्शन होगा और वही दुकान को मेडिसिन खरीद के हमारे बच्चों को देगा वहीं, और वहां का पैसा वहीं। अच्छा, वो अभी स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक कर चुके हैं, आगे प्लानिंग में है सर। अपने साथियों को एक मैसेज, जो आज आप लोगों का दिवस है दिव्यांग दिवस पूरा विश्व में मनाया जा रहा है, मैसेज एक सभी दिव्यांग साथियों को दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं क्या दूं मैं, क्योंकि दिव्यांग जीवन की जंग है, दिव्यांगता जो है जीवन की जंग है, जिनको लड़ते हुए हर दिव्यांग साथी मेरा आगे बढ़ रहे हैं और हर अच्छे कार्यों में आए। और एक दिव्यांग अगर एक दिव्यांग का सपोर्ट करेगा तो हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, 1 से 11 होते हैं हमको समय नहीं लगेगा, और बहुत जल्द ही दिव्यांग जन एक मिसाल बनकर अपने छत्तीसगढ़ में उभरेंगे, मैं ये चाहूंगा जी। साहब कई बार क्या है कि लोग विकलांग होते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं, उसके बाद परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन हमने देखा कि आपके माता पिता आपका काफी ख्याल रखते हैं और जो आपके 11 साल का जो पुत्र है
वो भी काफी आपका ख्याल रखते हैं और उस तक आपको पहनाते हैं। इस तरह से उन लोगों का कॉपरेट आपको निरंतर मिल रहा है और उनके लिए एक आभार। शुरू से ही मेरे माता पिता मेरे भगवान का रूप है और लोग बोलते हैं माता भगवान का रूप होते हैं, तो मेरे लिए तो मेरा बेटा भी भगवान का ही रूप है जी, जो कि मेरे इतने देख रेख करते हैं इतने अच्छे से। जब तक मेरे माँ बाप का फाउंडेशन को किस क्या सोचकर चालू किए थे लोग, कितने लोग फाउंडेशन को चालू किए, कितने लोग मिले शुरू में जब आप फाउंडेशन स्टार्ट किए तो? हम लोग पहले सेवा ऐसे ही करते हैं, बात बोले कि हमारी बात भी चलनी चाहिए, इसको हमने रजिस्ट्रेशन करा और फिर हम फिजियो में आते थे आपस में, वहां पे मुझे सोलंकी जी मिले, हरि सिंह सोलंकी जी जी, कैसे करना है क्या करना है, सेवा कार्य तो कर ही रहे हैं, फिर बोले आप अपनी संस्था बनाते हैं जो हमारे साथ भी चले और हमारे बाद भी चले। हमने संस्था बनाई जो कि दिव्यांग महिलाओं का कार्य करेगी, मेडिकल में भी जाएगी जी, बहुत सारे एनजीओ चलते हैं दिव्यांगों के लाभ के लिए, तो वो एनजीओ भी संपर्क किए आपके कार्यों को देखकर। तो केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत कई बड़े बड़े एनजीओ विकलांगों के लिए चलते हैं, दिव्यांग भाई बहनों के लिए चलते हैं। अभी हमारे साथ अशोक गुप्ता जी शपथ फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, जो वो भी अभी मेरा काम करते हैं, मेरे कार्यों को देखते हैं हमारे साथ हैं वो जी 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 जी। तारीगुड़ी की शांता शर्मा जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है जी, श्रद्धा साहू जी जुड़ी हुई है जी, दिव्यांग संघ का संयोजक भी हूँ मैं, दुर्ग जिले के दिव्यांग भाई भी जुड़े हुए हमारे साथ, भिलाई के भी जुड़े हुए जी, गांव से हैं, डोमागढ़ से हैं। जैसे साहब जिस समय आप घर से बाहर निकलते हैं, बेड से जब निकलते हैं, तो आपके परिवारों का सहयोग कैसे मिलता है? कभी कभी परिवार अगर कहीं बाहर चले गए उस स्थिति में किस तरह से आप कार तक पहुंचते हैं और बाहर निकलते हैं? मेरे माता पिता मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं कभी जी, कोई ना कोई मेरे साथ रहना जरूरी है, तो कोई ना कोई उपलब्ध रहता है और जिस दिन उनको काम रहता है उस दिन निकलता है। अच्छा, उस दिन आप नहीं जाते, आप भी अपने काम को स्थगित करते हैं। आपके साथ और भी कई लोग जुड़े हैं, उनके विकलांगता प्रतिशत कितना है? तो जैसे आपका 80% विकलांगता का प्रतिशत, 60 वाले हैं जी, एक बहन है 70% है उनका जी, और मेरे साथ जितने लगभग लगभग दिव्यांग जुड़े हुए हैं, रोजगार में ऐसे कभी मौका लग मिला तो आपसे रूबरू करवाऊंगा आप सबका जी। कोई ऑटो चला रहा है, तो किसी दुकान पे काम कर रहा है, कोई सिलाई का खुद के बैठा है जी, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटैच है, इंस्टीट्यूट चला रहा है जी। और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि हर दिव्यांग को रोजगार मिल जाए, और सरकार से मेरा ये आग्रह, 350 रुपए जो पेंशन दे रही है, 350 रुपए में एक महीने में क्या होता है किसी का, मैं चाहूंगा कि सम्मानजनक पेंशन दी जाए, रोजगार मिल जाए, और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिया जाए कि 20% लोगों को लेना है दिव्यांगों को, उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चाहूंगा जी। कितना पेंशन चाहते हैं आप लोग जो पर्याप्त हो जाए? सम्मानजनक पेंशन दे दी जाए जी, महंगाई के हिसाब से 350 रुपए पेंशन देने जाता है, चलिए इनके अकाउंट में आती है ठीक है, और जिनको लेने जाना पड़ता है उसका तो 250 रुपए लग जाता होता है। अदर स्टेट में देखा जाए तो पेंशन किसी के यहाँ 1500 है, किसी के यहाँ 3000 है, किसी के यहाँ 6000 की है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में हमारे पेंशन कम है जी, छत्तीसगढ़ के तर्ज पर अलग जो राज्य है वो काफी, मतलब अगर तुलना किया जाए तो अलग राज्य जो है जैसे MP है और राजस्थान है वो काफी अच्छा पेंशन दे रहे हैं जैसे बता रहे हैं आप,
1500-2000 दे रहे हैं, तो उनका एक जीव का भी अच्छा चल जाता होगा इस पेंशन से। और निश्चित रूप से ये मान के चलिए मेरे मुख्यमंत्री जी टाइम देते हैं माननी, तो हम ये चाहेंगे कि जिस लोगों को रोजगार मिल जाता है और उनकी पेंशन बंद कर दी जाए, जिससे वो पेंशन दूसरे को उपयोग हो पाए। निश्चित रूप से 300-350 जो पेंशन है वो पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि महंगाई का जमाना और महंगाई के जमाने में 2000 कम से कम लोगों को मिलना चाहिए। हम भी सरकार से अपील करते हैं कि जितने भी दिव्यांग भाई और बहन हैं और बुजुर्ग हैं उनको बढ़ा के पेंशन दें और उनकी अच्छी बने वालों को 800 रुपये पेंशन चाहे और अच्छी वालों को 350 रुपये, इन कई 80 वालों को भी 350 रुपये मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इनका कारण क्या है, क्या अधिकारी की लापरवाही है? ये सब सिस्टम का ऐसा अधिकारियों को नहीं बोल सकते, अपन अधिकारियों का नहीं है जी। सिस्टम किस तरह सिस्टम बताएंगे थोड़ा? जैसे अपन नगर निगम में ही आते हैं कहीं दिव्यांग करना पड़ता है गुमटियों के लिए कि आप ये फॉर्म ले आइए वो ले आइए। मैं चाहूंगा कि हमारी पहचान सर्टिफिकेट काफी रहना चाहिए, यूनिक आईडी काफी रहे उसके आईडी के लिए जी। तो निश्चित रूप से काफी संघर्ष भरा आपका जीवन है, आपको हम सैल्यूट करते हैं कि इस स्थिति में भी आप जो है लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और दिव्यांग कई भाई बहनों के लिए आप उदाहरण बन रहे हैं। वाकई में जिसके हाथ पैर सलामत हैं उसके बावजूद वो कुछ कर नहीं रहे हैं और सिर्फ बहाना बना रहे हैं, उनके लिए आप बहुत बड़े उदाहरण हैं। और एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, दुनिया में सिर्फ एक ही विकलांगता है और वह है नकारात्मक सोच। इस बात को सच साबित कर ना सिर्फ आप कर दिखाए बल्कि 40 से अधिक लोगों को स्वरोजगार भी दिलाए। आपका इस चर्चा पर आए आपने काफी सार्थक रूप से चर्चा हुआ और आज के दिन विश्व दिव्यांग दिवस पर आपने एक बेहतर जानकारी हमको दी है और अपने जीवन शैली के बारे में जानकारी दिया और लोगों के लिए उदाहरण बन गए। हम फिर से दूसरे कार्यक्रम पर मिलेंगे, आपका बहुत